नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके कमेंट का जवाब मैं देने वाला हूँ, जो जो कमेंट आप करते हो, ठीक है। मैं ये सिनेरियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें कि मैं हर कोशिश करूंगा कि ज़्यादा कमेंट यदि हो जाता है तो उस कमेंट का जवाब मैं आपको उस पूरे वीक का आपको दे दूँ। एक कमेंट हो या दो कमेंट हो या तीन कमेंट हो, ठीक है। तो ये सारी कमेंट जो होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं मानता हूँ। और मैं किसी कारणवश जो है मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, इस कारण जो है बहुत सारी वीडियो जो है नहीं बना पाता था, स्किप कर देता था, आपका कमेंट को भी नहीं देख पाता था, ठीक है। तो अब जो है हर चीज़ का जवाब मिलेगा मिलेगा संभव मिलेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और एक एक कमेंट का जवाब हम लोग देखते हैं, ठीक है। 10 मिनट कोशिश करूंगा, 10 मिनट में वीडियो खत्म कर दूं कि आप जो है कम में जो है ज़्यादा समझ लें, ठीक है। पहला जो है रिशु है, ठीक है, इन्होंने कमेंट किया है, सर कैन फार्मडी स्टूडेंट प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, ठीक है। फार्मडी स्टूडेंट प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है और रियल में बात है डॉक्टर लिखने से लोग सोचते हैं कि प्रिस्क्राइब कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो रिशु जी, मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं फैक्ट के साथ, पहले उस पर हम लोग बात करते हैं। पहले बात है फार्मडी स्टूडेंट नहीं, फार्मडी डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो सिक्स ईयर की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो फार्मडी डॉक्टर्स जो होते हैं ना मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। पहले बात कर ले हम दो चीजें, एक होती है प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन होती है, एक होती है नॉन प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन होती है, मतलब नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है, जिसको हम लोग ओटीसी मेडिसिन कहते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 16 ऐसे मेडिसिन की क्राइटेरिया बनाई है जो कि ओटीसी मेडिसिन में डाला गया है, जो सर्दी खांसी जुकाम होता है जिसको एवरी फार्मेसिस्ट अपने यहाँ प्रिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है, उसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एक चीज पहली बात तो दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, उसमें डी फॉर्म, बी फॉर्म, फॉर्म डी, एम फॉर्म कोई भी हो सकता है जो उसको दे सकता है, जो फार्मेसी खोला है, जो नहीं खोला है वो भी दे सकता है, लिख सकता है, जिसमें सर्दी खांसी जुकाम की दवाएं हो सकती हैं, ठीक है, इनहेलर भी है, क्रीम्स दिए गए हैं, ठीक है, तो बहुत ही, पर उसकी संख्या कम है, ठीक है। हाल ही में क्या हुआ है कि लोग सोचते थे कि विदेशों में फार्मेसिस्ट जो है ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकता है, ऐसा गलत धारणा है। पहली बात तो ये धारणा पहले गलत थी, अब जो है 5 साल से लेकर 6 साल के बीच में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, अमेरिका के कुछ स्टेट्स, ठीक है, इंग्लैंड में ऋषि सुनकर, उनकी माँ जो है खुद फार्मेसिस्ट है, ठीक है, इस कंट्रियों में जो है फार्मेसिस्ट के राइट्स को बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। ओंटेरियो एक कनाडा की जगह है जो जहाँ पर प्रिस्क्राइबिंग राइट मिले हैं, जिसमें डिजीज मिलते हैं कि डिजीज मतलब यूटीआई है किसी को, स्केबीज है, सोरोसिस है, ठीक है, किसी को जो है कुछ कोई और दिक्कत है, तो वहां पर जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है इस डिजीज का, ठीक है, उसके लिए एलिजिबल है। 18 या 19 डिजीज दिए गए हैं, डिजीज मतलब कि रोग दिए गए हैं, उसमें आप ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब सारे कर सकते हैं, ठीक है। कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में मिल चुका है, ठीक है, ऐसे ऐसे कंट्रियों में बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे स्कोप इसकी बढ़ रही है। अब इंडिया में कब तक होगा ये तो बात की बात है, क्योंकि देखिए डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो है एकदम लेटेस्ट कोर्स नहीं रह गया, लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता, 20 साल हो गए यार इस कोर्स को पूरे वर्ल्ड में हुए ठीक से लॉन्च, और इंडिया में हुए 14-15 साल हो गए, ठीक है। तो अभी यार ये सोशल मीडिया का जमाना है, इस सोशल मीडिया में यदि कोर्स की वैल्यू और क्या नाम है उसके महत्व को और उसके बारे में नहीं लोगों को पता चल पा रहा है, तब याद रखो यार सोशल मीडिया का होना बेकार है, ठीक है, मेरा ये मानना है। तो सोशल मीडिया इज ए मेन इंपॉर्टेंट मी अ चैलेंजिंग रोल इन आवर सोसाइटी, इन आवर कोर्स, इन आवर सेल्फ, ठीक है, तो इसका जो है याद रखिएगा। और अभी तक कोई भी राइट्स तो है नहीं, पर भविष्य में मुझे इसका ये है कि आपको सबको जो जो डॉक्टर और फार्मेसी कर रहे हैं उनको कम्युनिटी को इकट्ठा होकर इसके ऊपर बात करनी चाहिए, तभी जाकर इस पर राइट्स के ऊपर कुछ बात होगी। तो सबसे पहले PCI को सिलेबस चेंज करनी होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताया हूँ घुमा फिरा के, माफ करिएगा आपको ये लंबा मैं समझाने की कोशिश की है, कि बाकी जो दूसरे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करना चाहते हैं बच्चे या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रहे हैं उनको इसका पूरा डिटेल में पता चले। यदि आपको मेरे आंसर से अच्छा लगा होगा तो इसको जरूर वीडियो को शेयर करिएगा दूसरे लोगों में, कि उनको भी इस चीज़ का पता चल सके और उनको भी फायदा मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर इसका जवाब मुझे भी चाहिए, ठीक है, ओके, किस कॉलेज में एडमिशन लिया जाए, ठीक है, किस कॉलेज में एडमिशन लिया जाए, ROC 9 करके हैं, इन्होंने पूछा था कुछ दिन पहले, ठीक है,
माफ करिएगा रूसी, मैं थोड़ा लेट में आपको जवाब दे रहा हूँ, पर ये नया मैंने सेशन स्टार्ट किया है, हफ्ते में एक दिन मैं लगाऊंगा, जैसा कमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग यदि कमेंट पड़ जाएंगे तो दो लगाने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो किस कॉलेज में एडमिशन लिया जाए आरुषि जी, पहले जो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट की हैं, ठीक है, किस स्टेट की हैं। आपके भाषा से लग रहा है कि आप हिंदी भाषी स्टेट से लग रही हैं, तो वहां पर जो है आप जो अपने पहले स्टेट में देखिए कि कौन सा कॉलेज सबसे बेहतर है, उनकी फीस बेहतर है। एक चीज भी, दो चीज में बता देना चाहता हूं, कभी भी ना आप कमेंट बेस पे मत जाएगा किसी के यहाँ, और एनआईआर रैंकिंग मत जाएगा। लोग कहेंगे अरे सर आप क्या बोल रहे हो, एनआई रैंकिंग तो सब बेस्ट होती है। देखिए दोस्तों, एनआई रैंकिंग से बेस्ट मैं एक चीज मानता हूं, जो प्रीवियस स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उस कॉलेज में, उनका रिव्यू लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो एनआई रैंकिंग के बाप होते हैं, ठीक है। तो उन स्टूडेंट का आप रिव्यू लीजिए कि वो स्टूडेंट बोल क्या रहे हैं उस कॉलेज, मतलब वो जो स्टूडेंट उसमें पढ़े हैं वो क्या बोल रहे हैं। आपको बस चार या पांच जो है बात करना, जैसे आप मान लीजिए बी फॉर्म में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो बी फॉर्म में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आप क्या करो ना, एनआई रैंकिंग को हटाओ, सब चीज हटाओ, या एक काम और कर सकते हो, आप एक लिस्ट बनाओ एनआईआर रैंकिंग का, ठीक है, पहला वो देख लो, दूसरा देख लो उस कॉलेज को, फिर खंगालो कि उसका प्लेसमेंट डाला है कि नहीं उसने। देखो एनआईआर रैंकिंग वाले कॉलेज हमेशा अपने प्लेसमेंट वेमेंट सब अपडेट रखते हैं भाई, इसी कारण उनको रैंकिंग आसानी से मिल जाती है, ठीक है। पढ़ाई तो होती है, नो डाउट उसमें पढ़ाई होती है, कोई ऐसी चीज नहीं है, पर उनके जो स्टूडेंट है ना उनसे आप कांटेक्ट करो, कांटेक्ट लिंक्डइन के थ्रू करो, लिंक्डइन पे ज्यादातर प्रोफेशनल होते हैं, उस कॉलेज का नाम डालोगे उनके मिल जाएंगे। फिर आप इसमें हेजिटेट मत हो, उनके कमेंट बॉक्स में जाओ, उनसे सर के बारे में पूछो कि सर इस कॉलेज के बारे में आप कुछ बताइए कि इनका प्लेसमेंट कैसा है, ठीक है, यहाँ के व्यवहार कैसा है, यहाँ के टीचर की क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, सर क्वालिफिकेशन ऐसे ही आपको साइट में मिल जाती है, पर उनसे भी पूछिए, तो जरूर आपको इसका सबका एक रिव्यू दे देंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज चूज कर लो, क्योंकि भाई कॉलेज ये जिंदगी भर आपके लाइफ में बना रहेगा, कॉलेज की जो पढ़ाई है यदि आप उसे सीखोगे नहीं तो कहाँ होगे। बहुत सारे कॉलेज हैं, बी फॉर्म डी फॉर्म के बहुत सारे कॉलेज हैं, तो कहाँ पे तुम वो करोगे। तो मैं सबसे बड़ा तरीका यही बता रहा हूँ आपको, वहां के कॉलेज के जो सीनियर स्टूडेंट हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उनसे आप कॉन्टेक्ट करो लिंक्डइन के थ्रू, लिंक्डइन सबसे बढ़िया माध्यम है कॉन्टेक्ट करने का, ठीक है। वो कहीं ना कहीं कॉलेज के स्टूडेंट मिल ही जाते हैं, उन कॉलेज का नाम डाल लो, उसके स्टूडेंट रिलेटेड स्टूडेंट मिल जाएंगे, उनसे आप कॉन्टेक्ट करो, चार पांच से करना, एक से भी मत करना, ठीक है, ये भी मत गलती कर देना, ठीक है। तो चार पांच से करना, क्योंकि पता चल एक है उसी कॉलेज में वो बहुत बड़ा वो रहा उस कॉलेज का चाटुकार, तो ये भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब चीजें होती है फर्क, तो आपको मैं समझा दिया मोटा मोटा, समझना समझने की कोशिश करना, तो आप कोशिश करना, तो इससे क्या है कि आपको आसानी होगी इस कॉलेज को आइडेंटिफाई करने में, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई हो, चाहे वहाँ की टीचिंग हो गई हो, चाहे वहाँ का लैब हो गया हो, और यदि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करने की सोच रहे हो तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसका उसका अलग ही रूल है चूज करने का, ठीक है। ठीक है, ये मैंने बता दिया, और यहाँ पे जो एक और थे ये, ठीक है, जिनको भी मैंने बता दिया, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, और ठीक है कोई बात नहीं, बहुत लोगों को जो है नेगेटिव फीडबैक जो है इस फील्ड से रिलेटेड रहती है, ठीक है, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, नेगेटिव सबके लिए, पॉजिटिव सबके लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं, नेगेटिव मेरे में भी आती है, एक नॉर्मल बात है, ह्यूमन सी है यार, ठीक है। अब देखिए क्या है, मैंने क्या नाम है कि यहां पर एक पूछ रहा है बंदे, स्टूडेंट है ये, पूछ रहे हैं क्या है, देखिए ये बोल रहे हैं कि एक ये हैं जुबीन जी हैं, ये बोल रहे हैं कि यूट्यूब पे जो आप वीडियो डालते हो एजुकेशन का, उसमें बच्चों बच्चों मत बुला करो, क्योंकि आपके वीडियो को जूनियर और सीनियर दोनों देखते हैं। सॉरी सर, यदि आपको ऐसा लगता है तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं कोशिश करता हूँ कि फ्रेंड्स का ही यूज करूँ वर्ड का, और इसमें मैं फ्रेंड्स फ्रेंड्स ही यूज करता हूँ, कि आपको जो अच्छे से आपको ना लगे कि मैं बच्चों आपको बोल रहा हूँ, आप उसको इग्नोर भी वर्ड कर सकते हैं, निकल जाती है। एक मैं जब टीचिंग करते हो ना तो उसमें एक नॉर्मल बात होती है, बच्चों बोलना स्टूडेंट बोलना, तो एक फ्लुएंसी बनी रहती है, ठीक है, तो इसी कारण वो निकल जाती है, मैं निकालता नहीं हूँ, अपने आप भावनाएं में बह जाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, यदि आप इसको इग्नोर कर सके तो बढ़िया है, और पर मैं कोशिश करता हूँ कि फ्रेंड्स वर्ड का ही यूज करूँ, ठीक है। अब देखिए ये पूछ रहे हैं हिमांशित, ठीक है, ये इनका जीमेल आईडी है, ठीक है, ये पूछ रहे हैं कैन एनी वन गिव नीट वाइल प्रोसेसिंग फॉर्म डी। हाँ यस यस ऑफकोर्स, बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो पर क्या कहते हैं कि देखिए
बात ये हो जाती है ना कि आप किसी भी प्रोफेशन को चूज कर ले तो अब क्या है कि फॉर्मडी का जो पैसा है वो थोड़ा सा तो है नहीं, पैसे अधिक लगते हैं इसमें, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि इस चीज में क्या है कि जब आप इसको करोगे तो आपको दिक्कत बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। फीस अधिक लगती है, फिर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ये नहीं कि आसान पढ़ाई है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, आप जैसा आपको लगे, ठीक है। आप समझदार खुद हो, ठीक है, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैंने एक इंटरव्यू बनाई थी, ठीक है, उसमें बीफॉर्म के स्टूडेंट जो थे उन्होंने एमबीबीएस क्वालिफाइड किया था। तो देखिए वो उनका कोई अलग सिनेरियो था, ठीक है। मैंने उस इंटरव्यू को मैंने आपको कभी क्लियर कट किया नहीं, ठीक है। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, समय के साथ क्लियर कट करनी चाहिए। मैं कभी उस इंटरव्यू को, और वो जो पर्सन थे वो मेरे सीनियर ही थे, ठीक है, तो उन्होंने किया था, ठीक है। बहुत सारी तैयारी की, 2-3 साल तैयारी की और वो किया था। पर एक्चुअली में क्या था कि ना, उनके यहाँ जो सभी लोग थे ना एमबीबीएस किए हुए लोग, ठीक है, एक सिनेरियो बन जाता है कि एमबीबीएस, वो भी जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से बी फॉर्म ही है, ठीक है, मेरे जैसा, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि उसी कॉलेज में उनका एमबीबीएस में हो गया, ठीक है। तो उनके ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं जो फैक्ट करती हैं, आप जानते हो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन, तो उनको फायदे भी मिले। और उन क्या कहते हैं, उन्होंने पढ़ाई भी की लॉकडाउन में बैठ के, उन्होंने इधर नहीं देखा, उन्होंने लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की, ठीक है। 1 साल पूरा लगाया लॉकडाउन में, तब जाके उन्होंने इसको क्वालिफाइड किया, और 4 साल से उनका एक सेटअप माइंड था, ठीक है। यदि आप आईएएस की भी तैयारी कर रहे हो ना, और आपका माइंड सेटअप है कि हमको आईएएस क्रैक करना है, और आपका डेडिकेशन बहुत ही तगड़ा है, तो आप क्वालिफाइड कर जाओगे, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज यहीं पर है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि एक वीडियो था जो कि फॉर्मडी के बारे में क्या कहा। देखिए क्या है कि यही दूसरे देश, हाँ ये बात है कि अभी फार्मेसी का सिनेरियो जो है हमारे देश में भी नहीं बन पाया उतना बढ़िया जितना बढ़िया होना चाहिए। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी है, हमारी काउंसिल भी है, और यहाँ तक कि जो फार्मेसिस्ट पास हो रहे हैं उनकी भी है, तीनों की है। कैसे है, ये तीनों ही इंटरलिंक है, इसके ऊपर भी मैं बताऊंगा कभी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर है, थैंक यू, ठीक है, ठीक है। एक और है, ये मोदक हैं, वो बोल रहे हैं सर मेरे अभी तक रिसर्च में सिर्फ ये एक ही बंदा है जिसने बी फार्म के बाद नीट चूज किया, बहुत गट्स है इनके अंदर, ठीक है। हाँ ठीक है, गट्स तो है इनके अंदर, इन्होंने चूज किया, क्योंकि 4 साल की पढ़ाई है, ठीक है। 4 साल की पढ़ाई के बाद जो है 5.5 साल की पढ़ाई करनी है, ठीक है, कितने लग गए, 5, 4, 9, 9.5 साल, ठीक है। तो इतने में एमबीबीएस एमडी कंप्लीट हो जाता है, पर लिया इन्होंने। अब क्या है कि इनका मन था, इनका चूज था, एक होती नहीं अंदर से एक आग कहती कि नहीं मुझे एमबीबीएस ही करना है, ठीक है। ये बचपन से ही आता है कि भैया नहीं आला ही लगाना है, और क्या कहते हैं दवा लिखनी है, डायग्नोसिस करनी है, ठीक है, पैसा बहुत है, तो एक हो जाता है। पर मैं आपको इनके बारे में बता दे रहा हूँ कि इनके यहाँ फैमिली में ज्यादातर एमबीबीएस ही है, ठीक है। तो इस कारण जो है इनके यहाँ एक सिनोरी बना हुआ, इनके भाई भी एमबीबीएस कर रहे हैं, ठीक है, इनके ताऊ भी एमबीबीएस है, तो इस कारण जो एक सिनोरी बन जाता है, ठीक है। आपके घर में भी फार्मेसिस्ट रहेंगे तो एक आपके घर में भी सिनेरियो बन जाएगा कि फार्मेसिस्ट ही करनी है, फार्मेसिस्ट बनना है, यदि कुछ नहीं है तो, ठीक है, यदि स्कोप ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, पैसा भी कमा रहे हैं, यदि फार्मेसी को बड़ा बिजनेस है तो ये एक सिनेरियो बन जाता है, ठीक है। तो इनके अब यही था, आप उसके ये कंफ्यूज मत होगा, नो डाउट, ठीक है। अब देखिए, हाँ ये 2 वीक है, नीट करके है, इन्होंने पूछा, नीट को इंस्पायर होंगे इसीलिए नीट रखा इनका नाम। सर फार्मडी किस कॉलेज से कर सकते हैं, देखिए क्या है, अब आ गया इस क्वेश्चन का जवाब, मैं बता दूं आपको कि किस कॉलेज से आप कर सकते हो फार्मडी। तो देखिए फार्मडी करना एक अपने आप में बहुत ही ज्यादा सोच समझ के काम है, रीजन है इसके पीछे, ठीक है। फार्मडी करने के लिए आपको ना 2 चीजें याद रखनी है, अभी प्रिस्क्राइबिंग राइट के आप पीछे भागोगे तो वो मिलने वाली नहीं है अभी, ठीक है। क्यों, क्योंकि फार्मडी की जो कम्युनिटी है वो यूनाइट नहीं है उतनी बढ़िया, जितनी बढ़िया यूनाइट होनी चाहिए। पर इसके पीछे जो है अभी फॉर्मडी कोर्स को ही उत्थान किया जा रहा है कि लोग जाने इस कोर्स के बारे में, ठीक है। उसके लिए फॉर्मडी कम्युनिटी को आना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा इसको ग्रोथ करने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए पहली बात है। दूसरी चीजें चैलेंजिंग हो जाती है कि यदि आप 6 साल का कोर्स करते हो या 3 साल का फॉर्म बी फॉर्म का कोर्स करते हो, तो आपको हॉस्पिटल में एक्सपोजर मिलता है, एनएपीएच हॉस्पिटल में, दिमाग बैठा रहेगा, छोटे हॉस्पिटल में जॉब नहीं है, ठीक है, मीडियम हॉस्पिटल में जॉब नहीं है, जो एनएपीएच अप्रूवल हॉस्पिटल है वहीं पर जॉब है, 1 या 2 वैकेंसी होती है, ठीक है। दूसरी चीज है, फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलती है, बी फॉर्म डी फॉर्म को पढ़ाने को मिलता है, ठीक है, या फार्मडीज को पढ़ाने को मिलता है, फार्मेसी प्रैक्टिस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तीसरी जो होती है आपके क्या नाम है कि इंडस्ट्री में जॉब होती है, फार्मको बिजनेस में जॉब होती है, ठीक है, फिर क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर में जॉब आती है, आपकी मेडिकलाइजर में जॉब होती है, जो कि एमडी फार्माकोलॉजी क्वालिफाइड होते हैं उसमें आपकी जॉब निकालती है, छोटी कंपनियां होती है, मिडिल क्लास की कंपनियां निकालती हैं जॉब, ठीक है। तो स्कोप की बात मत करो, पैसा तो आप कमा ले जाओगे,
आप पढ़ाई किए हो तो आपका पैसा कमा ले जाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप फॉर्मली का आप क्या बेस करते हो, क्या चूज करते हो, आप कमेंट करके बताना, मैं उसके अकॉर्डिंग फिर वीडियो बनाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये दोस्तों ये कुछ कमेंट था, मैंने ले लिया है, वीडियो लंबा हो सकता है, और मैंने आई होप मैंने आप कोशिश की है कि आपको समझाने की। तो ये रहा इस वीक का जवाब और आपका, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करिएगा कि आपको क्या क्या इसमें और डाउट है, इसको आप खुले दिल से पूछ सकते हैं, मैं आपको खुले दिल से इसको बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब मुझे